अक्सर ये कुछ चीजें हैं जो हमें महात्मा गांधी के बारे में सुनने मिलती हैं कि गांधी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी पर वो उन पर खरे नहीं उतर पाए। ये भी कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। हे एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव में, जहाँ मैं आपको रूबरू करवाती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से। सोशल मीडिया पर कई बार गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी बातें फैलाई जाती हैं कि जिनका तथ्यों से कोई भी लेना देना नहीं है। आपने अक्सर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दूसरी सोशल मीडियाज पर ये मैसेज जरूर से पढ़ा होगा कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, पर उन्होंने जानबूझकर कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब आपको देने वाली हूँ, जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होगी और आपको पता चलेगा कि क्या गांधी ने ऐसा जानबूझकर किया कि नहीं। हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। ईयर 1931 में 23 मार्च के दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में शाम के टाइम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया था और महात्मा गांधी के आलोचक इन तीनों की फांसी का इल्जाम गांधी के माथे डालते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा 7 अक्टूबर 1938 को सुनाई गई थी और इन तीनों की फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख तय की गई थी। कोर्ट ट्रायल और भूख हड़ताल की वजह से भगत सिंह और उनके साथ ही युवाओं के बीच में काफी फेमस हो गए थे और तो और गांधी उस समय का सबसे बड़ा नेता बन चुके थे, इसलिए सबको गांधी से उम्मीदें थी कि वो इस मामले में जल्द ही कुछ करेंगे। 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें भगत सिंह के सपोर्टर्स चाहते थे कि गांधी समझौते की शर्तों पे भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए भी बात करें। बातचीत के वक्त गांधी इरविन के सामने ये शर्त रखें कि अगर ब्रिटिश सरकार सजा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया और यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम कर दे। मैं वाइस राय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। गांधी जी ने वाइस राय के सामने फांसी को रोकने से ज्यादा टालने का मुद्दा उठाया था। उनका मानना था कि वायसराय के साथ बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है, उसे शर्त रखकर जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। इस बातचीत के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा था, इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है, मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा कम कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या का आरोप था और एक चीज और थी कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ थी, और वो ये थी कि वो माफी मांगने के खिलाफ थे। वो लोग अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे और अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सजा बाकी युवाओं को डराए और ये बताए कि अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ गए तो उनका हाल भी ऐसा ही होगा। इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि गांधी नॉन वायलेंस में भरोसा रखते हैं, इसलिए वो किसी की जान लिए जाने के खिलाफ होंगे, इसलिए इन्होंने हालातों को देखकर इनकी सजा को रोका नहीं बल्कि टाल दिया। इस सजा को लेकर हालांकि ज्यूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसराय से बात की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं निकला। भगत, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए कानूनी रास्ते भी अपनाए गए, लेकिन उसमें गांधी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए गांधी जी उनकी सजा को टालने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि अभी सजा रोकी जाए और सही टाइम देखकर वो इरविन से दोबारा बात करेंगे। गांधी ने वायसराय के सामने ये मुद्दा दोबारा उठाया था 19 मार्च 1931 को, लेकिन वायसराय ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसे बताकर वो इस सजा को रोक सके, और उन्होंने इसके कुछ और कारण भी दिए थे, जैसे कि फांसी की तारीख आगे बढ़ाना, वो भी बस राजनीतिक वजहों से, वो भी तब जबकि
तारीख का ऐलान हो चुका है सही नहीं होगा। सजा की तारीख आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इससे भगत, राजगुरु और सुखदेव के दोस्तों और रिश्तेदारों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सजा कम करने पर विचार कर रही है। गांधी ने फिर भी कोशिश करनी नहीं छोड़ी और उन्होंने आसिफ अली को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से मिलने जेल भी भेजा था, ये वादा लेने के लिए कि वो हिंसा छोड़ देंगे और उनके क्रांतिकारी साथी भी, लेकिन वो मिलने में उनसे कामयाब नहीं हो पाए। गांधी ने तब भी कोशिश की। 22 मार्च को वो वायसराय से मिले और वायसराय ने उनसे वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। 23 मार्च को गांधी ने उन्हें एक चिट्ठी भी भेजी क्योंकि 24 मार्च को फांसी लगाने की डेट थी, लेकिन 23 मार्च की शाम को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। लोगों ने गांधी के खिलाफ उनके सामने नारेबाजी भी की, लेकिन गांधी ने कहा कि मैं वायसराय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया, मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसराय के नाम एक चिट्ठी भेजी थी, इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी थी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। तो दोस्तों, आई थिंक अब आपको जवाब आपके सामने मिल गया होगा और अब आपको व्हाट्सएप और फेसबुक या फिर और किसी सोशल मीडिया के फेक मैसेजेस को पढ़कर उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई आपके सामने मैंने आज आपको बता दी है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल वी फॉर इनोवेटिव को हमारे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।